देख लो आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में, बिल्कुल मेन मेन टॉपिक करेंगे, ठीक है? अब जल्दी से बताओ, रेडी हो गए दोबारा सब लोग? जल्दी बताओ, रेडी हो गए नहीं हो गए? चलो स्टार्ट करते हैं, अब हो गया काम, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा जी, सबसे पहला इसमें एक ही टॉपिक आएगा, वो आता है डिफरेंस बिटवीन। देखो क्वेश्चन कैसे आता है ये भी बता दे रहा हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। देखो समझना, समझ में नहीं आया तो हो सकता है याद करना पड़े, थोड़ा थोड़ा तो याद भी कर लेना। क्या आता है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड, ठीक है? काफी आपने देखा होगा, जो बहुत आता है। तो चलो यहां लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन, और यहां लिख लेते हैं अमरफस। अच्छा, इस वाले टॉपिक को खत्म होने के बाद एक गुड न्यूज और बताऊंगा, जिसके बाद और थोड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है? और जो बच्चे अभी अभी आए हैं वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं सॉलिड से, क्रिस्टलाइन और अमरफस, ठीक है? दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक अमरफस होता है। अब समझना, सबसे पहला हम यहाँ लिखेंगे क्रिस्टलाइन में होता क्या है। देखो सॉलिड सबको पता होता है, एक चीज देख लो, ऐसे करके आपने केमिस्ट्री में देखा ही होगा, यूनिट सेल होती है ना ऐसे करके। तो देखो यार, अगर चीज बिल्कुल अरेंज, बिल्कुल ऑर्डर में हो, देखो एक चीज समझना, यहाँ पर ये चीज ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है, ऐसे करके बिल्कुल ऑर्डर में है ना अरेंज, ठीक है? तो इसको बोलोगे आप क्रिस्टलाइन, इसको क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन। और जहाँ भी चीज़ ऑर्डर में अरेंज नहीं होती है, जैसे ये ऐसे है और उसके बाद फिर ये कोई बड़ा हो गया, ठीक है, या फिर ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये ऑर्डर में नहीं है ना। तो आपको जो मेन टॉप याद करनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये याद करनी है कि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, ऑल एटम्स, ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल। जो सोच रहे हो कि भैया एटम मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच गए, तो भाई एक चीज़ सोचो यार, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, सबके अंदर होगा क्या, एटम ही तो होंगे, मॉलिक्यूल ही तो होंगे। तो क्रिस्टलाइन में पहली लाइन लिख रही है, ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ, आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है बहुत ही तमीज से, बहुत ही इज्जत से, समझ गए ना, बिल्कुल प्यार से। ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट वे, समझ गए, इन द सॉलिड, ठीक समझ गए। अब यहां क्या लिखना है, यहां उल्टा लिख देना है कि ऑल एटम्स आर, ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ, माइंड काम नहीं कर रहा है तो दिक्कत आएगी बेटा, माइंड को काम कराना पड़ेगा। दो तरह के सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन अमरफस। क्रिस्टलाइन में चीज़ें बिल्कुल इज्जत से लगी हुई हैं, और अमरफस में इज्जत से नहीं लगी हुई हैं। कमेंट बाजी थोड़ी बंद कर दो, और यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दे लो थोड़ा, नहीं तो बंद कर दूंगा ये सब कुछ। ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन, आर नॉट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट वे इन द सॉलिड। तो ये चीज़ समझ गए पहली वाली, क्या कि इसमें क्या होते हैं, सारे अरेंज होते हैं डेफिनेट वे में, और इसमें डेफिनेट वे में अरेंज नहीं होते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है एक इज्जत से, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखना है यहाँ पर, डेफिनेशन आए, डिफरेंस आए, कुछ भी आए, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। देखो तुम लोगों ने दो चीज़ें देखी होंगी, एक देखो दो तरह के सॉलिड देखे होंगे, एक तो ये फोन है सॉलिड, ये दिखाई दे रहा है फोन, ये क्या है, ये सॉलिड है या नहीं है, ठीक है? और एक दूसरा वाला सॉलिड देखा है, मैं बिल्कुल बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूँ। एक तो ये फोन हो गया सॉलिड, या जो सीट हो गई, ये सीट समझ रहे हो, ये सॉलिड हो गई। एक दूसरा वाला वो सुना है तुमने, जेली सुनी है, जेली, हाँ या ना, एक ये सीट और एक ये जेली। देखो सीट की इसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट है ना, और अगर तुम जेली देखो तो उसे पकड़ने में क्या होती है, वो दबदबी होती है, नहीं होती है, ठीक है?
तो ये क्या होता है, क्रिश लाइन होती है जो बिल्कुल बढ़िया हो, मजबूत हो, इसको बोलते हैं क्रिश लाइन। और जो दबदबी वाली होती है उसको बोलते हैं हमारे पास। तो यहाँ सेकंड पॉइंट आएगा, इट हैज फ्लैट सरफेसेस। और इसमें लिखना है इट डज नॉट हैव फ्लैट सरफेसेस। समझ गए या नहीं कि जो भी सख्त वाली चीज हो उसको दिमाग में डाल लो क्रिश लाइन है, और जो भी ऐसी दबदबी वाली चीज हो जो सॉलिड होती है लेकिन वो दब जाती है उसको बोल देना क्या, अमरफस वाला। तो देखो जो 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 ये सख्त वाली चीज है ये कैसी है, फ्लैट सरफेस ही तो है इसकी, फ्लैट मतलब समझ गए ना ऐसी वाली, और उसकी फ्लैट सरफेस नहीं है तो इट डज नॉट हैव फ्लैट सरफेसेस। थर्ड लिखना, थर्ड इसको जरा बढ़िया से समझना, थर्ड वाले को बेटा फिजिक्स है, ये फिजिक्स मुझे पता है केमिस्ट्री में भी टॉपिक है ये वाला, लेकिन ये अभी फिजिक्स है। अब ये देखो ये थर्ड पॉइंट अच्छा है, इट हैज डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप। इट हैज डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप। देखो अगर तुम इसको देखो फोन को तो बिल्कुल एक डेफिनेट शेप है या नहीं है, समझ रहे हो या नहीं, डेफिनेट शेप है ना। लेकिन अगर तुम जेली को देखो, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से देखना, इसको देखोगे तो बिल्कुल एक्सटर्नल है ना, डेफिनेट बिल्कुल बढ़िया सी। लेकिन जेली को देखोगे तो वो कैसी होती है, ऐसी तो होती है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये डेफिनेट शेप है नहीं, ये कभी ऐसी हो जाएगी कभी ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो इट हैज डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप, और इसमें लिख देना इट डज नॉट हैव डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप। आई होप आपने लिख लिया हो। तो क्रिश लाइन में देखो तीन हो गए, चलो चौथा देखते हैं। देखो ये चौथा जरूर समझना, इधर यहीं पर क्रिश लाइन चलेगा, इधर अमरफस चलेगा। क्रिश लाइन में चौथा जिसे समझना, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट और इट डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब समझो बहुत इजी है। देखो अगर कोई चीज क्रिश लाइन है, चलो जो जो पढ़ रहा है जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो क्रिश लाइन में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसमें क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, समझ गए। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये एक जैसे 2233 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये होना है तो ये इसी पे होगा, ठीक है। लेकिन अमरफस में क्या होता है, 235 से लेकर, मान लो 235 से लेकर 238 किसी इसके बीच में हो सकता है। मेल्टिंग मतलब समझते ही हो कि मेल्ट होना, तो ये बिल्कुल करेक्ट चीज पे होता है और ये किसी रेंज में हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, जिसको बोलते हैं हम बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, बैंड थ्योरी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी डिस्टिंग्विश, या फिर डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। समझ गए या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी हमें बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखो कंडक्ट वैलेंस बैंड थ्योरी में क्या होता है, दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है इंसुलेटिंग बैंड।
एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। तो यहाँ नीचे तुम्हें रखना है वैलेंस बैंड और यहाँ रखना है तुम्हें कंडक्शन बैंड। इतना समझ में आ गया? ये क्या हो गया वैलेंस बैंड और ये क्या हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, लिख के क्या आना है इसे समझना। अब देखो, फालतू जो कमेंट कर रहे हैं वो यहां से निकल ही जाओ तो अच्छा है। ढंग से पढ़ाओ अब बेटा, ढंग से पढ़ो अब। तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया होगा। स्टॉप कमेंटिंग। सही बात है, जिसको बकवास करनी है वो कमेंट बंद करो और निकलो यहाँ से, और जिसको पढ़ना है वो जल्दी से पढ़ो। चलो वापस आते हैं, आओ इधर आओ जल्दी से फटाफट। समझना, यहाँ लिखते हैं सबसे पहला कौन सा लिखते हैं, कंडक्टर के लिए। ठीक है, कंडक्टर या फिर मेटल्स। देखो सबको पता है कंडक्टर और मेटल्स एक ही चीज़ होती है, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर वैलेंस बैंड थ्योरी पे आता है बेटा जी, तो आपको यहाँ लिखना है ऊपर ऐसे करके दो बैंड बनाने हैं। ठीक है, और ये कौन सा होता है आपको पता है, वैलेंस बैंड, और ये कौन सा होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो जब भी कंडक्टर या मेटल का आएगा तो आपको इन दोनों बैंड को ऐसे नहीं बनाने हैं, आपको इस केस में इन दोनों बैंड को कैसे बनाने हैं, ऐसे करके बना दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये वैलेंस बैंड हो जाएगा, ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा, समझ गए? और इस तरीके से आपको ये फिल कर देना है नीचे वाला, समझ गए या नहीं? ठीक है, ये सेकंड वाला और बताएंगे, सही समझ में आ जाएगा। अगर यहीं पर ही आ जाए इंसुलेटर के लिए और नॉन मेटल्स के लिए, इंसुलेटर और नॉन मेटल्स के लिए, तब आपको क्या कर देना है यहां पर, तब आपको यहाँ पर एक गैप बना देना है काय में, वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में। इसको ब्लैक ब्लैक कर देना और यहाँ पर गैप बना देना है। ठीक है, इसमें गैप नहीं बनाना, एक के ऊपर एक कर देना और यहाँ गैप बना देना है। थर्ड वाले में क्या है आपका, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में आपको फिर से ये बैंड बनाने हैं, लेकिन जो गैप है वो छोटा रखना है। जो गैप है वो क्या करना है, छोटा रखना है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो कंडक्टर वाले में क्या होता है या मेटल वाले में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो नहीं होता है, समझ गए? और ये एक दूसरे के ऊपर, ये वर्ड आपको लिखना है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। होता क्या है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो कंडक्शन बैंड तक पहुँच जाते हैं। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता है। और सेमी कंडक्टर में जो गैप होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो थोड़ी एनर्जी अगर हम इसे दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, समझ गए? और सेमी कंडक्टर वाले केस में जो ये जो गैप है इसको आप बोलते हैं, इसको नाम देते हैं फॉर बी डन एनर्जी गैप। क्या नाम देते हैं इसको, फॉर बी डन एनर्जी गैप, समझ गए? इतनी अगर आप इसे एनर्जी दे दोगे तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो सकता है या फ्लो हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन थ्योरी समझ में आ गई बात या नहीं? आपको यहाँ क्या लिखना है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या हो जाते हैं, ओवरलैप होते हैं। नॉन मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है और सेमीकंडक्टर में काफ़ी कम गैप होता है। जिसके मन में ये आ रहा हो कि मतलब क्या कंडक्शन बैंड का, तो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँच जाता है तो आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अगर ये नहीं पहुँचते हैं तो फिर ये नहीं होता है, समझ गए या नहीं? चलो आगे आओ जल्दी से। तो ऐसे ही लिख के आना है, अगर देखना है तो देखो, किताब में थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा पूरा। ये देखो दिखाई दे रहा है, मेटल्स के केस में, ये फिजिक्स की किताब है, जो बकवास कर रहे थे ना बच्चे कि ये केमिस्ट्री चल रही है, क्या चल रही है और ये कहाँ से आ गया, वो देखो जरा। कंडक्शन बैंड में दिखाई दे रहा है वैलेंस बैंड, और उसके बीच में क्या है, जगह बहुत कम है। इंसुलेटर में क्या है, जगह काफ़ी ज़्यादा होती है। और सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बता ही दिया कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये देखो काफ़ी कम जगह है ना ये, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो
तो एक एक लाइन लिख लो छोटी सी, बहुत इजी सी। कंडक्शन, वो क्या कहते हैं, मेटल्स के केस में क्या लिखना है अब समझ लो और लिख लो क्या करना है मेटल्स के केस में, कि इन मेटल्स, मेटल्स या फिर कंडक्टर, दोनों में से कुछ भी है, इन मेटल्स कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, नॉन मेटल्स के केस में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स के केस में क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड लिखना आपका काम है, कैसे लिखेंगे पर समझ लो, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड हैज अ वेरी लार्ज डिफरेंस। ठीक है, हैज अ वेरी लार्ज डिफरेंस, और या फिर क्या लिख सकते हो, हैज अ वेरी लार्ज एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या करना है, कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड हैज अ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, और उसको हम बोलते हैं कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। यार कमेंट करना बंद कर दो, जिसको फालतू कमेंट करना है उसे भाड़ में जाने दो, तुम बिल ना फेवर में कमेंट करो ना अपोज में करो, तुम जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो आराम से। ठीक है, अपना मेन काम है कल कल का काम करने के लिए, ठीक है, कल पास होना है, और बाकी जो कर रहे हैं कमेंट उन्हें करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आओ जल्दी से, चलो बेटा अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट वाली चीज़ पढ़ते हैं। देखो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो अभी बताया मैंने। सेमीकंडक्टर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो अभी बताया, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर आते हैं। सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, देखो इंट्रिंसिक, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एंड डोपिंग, ये चीज़ें क्या होती हैं इनको समझना है हमें, ठीक है। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इधर लिखो इंट्रिंसिक, देखो इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, एक लाइन में अगर समझना चाहते हो तो इसका मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर मेड अप ऑफ सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। प्योर सेमीकंडक्टर मेड अप ऑफ सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का, या तो सिलिकॉन का होगा या किसका होगा, जर्मेनियम का, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो आएंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा बनाना हो तो देखो सिलिकॉन के, यार सबको पता होनी चाहिए कि चार चार हाथ होते हैं, चार चार हाथ का मतलब चार बॉन्ड होते हैं, तो ये चीज़ समझ रहे हो, ये क्या हो गया आपका सिलिकॉन का, ठीक है। और ये बॉन्ड का मतलब है, ये अब बीच में क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई गई होगी, हाँ इंट्रिंसिक ही है भाई, इंट्रिंसिक ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बीच में क्या है, बॉन्ड शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। तो मेन चीज आपको ये याद करनी है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक पर, एक्स्ट्रिंसिक क्या होता है, एक्स्ट्रिंसिक में करते क्या है समझना, ये प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है बढ़िया तरीके से, ये क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। इंट्रिंसिक की याद रखना, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसकी अब समझना, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसमें एक चीज करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये कैसा था इंट्रिंसिक, प्योर, इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, समझ गए या नहीं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर, अ सेमीकंडक्टर मेड अप ऑफ, मेड बाय द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
एंड द इम्प्योरिटी एडेड टू द इंटरसिनिक सेमीकंडक्टर। ये चीज समझ गए? और क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों क्यों करते हैं? टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। समझ गए या नहीं? तो एक इंट्रिनसिक की कंडक्टिविटी कम होती है जो एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, अगर आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो तो फिर ये क्या बन जाता है, एक एक्सट्रिनसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, अब जिस चीज़ समझना, क्या करना है हमें, इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे तो उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे एक्सट्रिनसिक। समझ गए इतनी बात? ठीक है, अब चलो एक चीज़ देखो जल्दी से फटाफट, ये एक इंट्रिनसिक है, यहाँ समझना, ये क्या है, इंट्रिनसिक। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हो आप, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। अगर ये चीज़ समझ गए तो सीधे हम पी एन जंक्शन पर पहुँच जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हो आप, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, और तुम्हें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक्सट्रिनसिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ या ना? इसकी कंडक्टिविटी क्या है, इसकी कंडक्टिविटी कम है, इसे जोड़ते ही कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये सब बनाते भी जाओ साथ साथ, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ या ना? ठीक है, अब समझना, इम्प्योरिटी ऐड करने को एक प्रोसेस कहते हैं जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। ये इम्प्योरिटी ऐड करने को, जैसे ये इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डाल दो जिससे क्या हो जाए, कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो इसको डालने को या ऐड करने को हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग की डेफिनेशन बहुत बार आई है बोर्ड में, इसे लिख लो, क्या होती है, द प्रोसेस, और खुद से बताओ क्या ये चीज़ सही लिखी जा रही है या नहीं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू इंट्रिनसिक सेमीकंडक्टर। किस में मिला रहे हो, इंट्रिनसिक में तो मिला रहे हो, टू इंट्रिनसिक सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। चीज समझ गए? डोपिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू एक्सट्रिनसिक सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बढ़ाने को। ओके, तो ये चीज़ इतना समझ गए। चलो अब यहाँ से अब समझना, देखो इम्प्योरिटी दो तरह की होती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी तरह की इम्प्योरिटी होती हैं या फिर कौन सी इम्प्योरिटी डालने से क्या होता है। तो अब समझना, इम्प्योरिटी दो तरह की होती हैं, एक होती है पेंटावेलेंट और एक होती है ट्राईवेलेंट। इस चीज़ को समझना, इम्प्योरिटी दो तरह की होती है, एक होती है पेंटावेलेंट और एक होती है ट्राईवेलेंट। यहाँ से बहुत काम की चीज़ है, पेंटावेलेंट को अगर आप डालते हो, समझ रहे हो ना, यहाँ पर इम्प्योरिटी दो तरह की है आपके पास ऑप्शन, एक पेंटावेलेंट भी है और एक क्या है, ट्राईवेलेंट भी है। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है भैया, देखो इसके नाम याद करने पड़ेंगे आपको, एक होता है एंटीमनी, याद कर लेना, और एक होता है आर्सेनिक, एक होता है एंटीमनी और एक होता है आर्सेनिक। ठीक है, और एन टाइप में दो होते हैं, इसको भी याद कर लेना, इंडियम और गैलियम, इंडियम और गैलियम। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एंटीमनी और आर्सेनिक अगर जोड़ोगे या पेंटावेलेंट आप जोड़ोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से क्या होता है ये। और अगर तुम ट्राईवेलेंट डालोगे, देखो ये जो ये आपने पेंटावेलेंट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन टाइप, और अगर ट्राईवेलेंट डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, पी टाइप। इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद हमें बढ़िया सा सेमीकंडक्टर मिल रहा था। ठीक है, दोबारा सुन लो, कोई कहीं कहीं दिक्कत आ रही है मुझे पता है, कमेंट में बता रहे हो आप। अगर पेंटावेलेंट डालोगे तो क्या होगा, एन टाइप मिलेगा, अगर ट्राईवेलेंट डालोगे चीज़ तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप मिलेगा। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होगे कि ये भैया ये पेंटावेलेंट है और ये ट्राईवेलेंट, इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, तो पेंटावेलेंट का मतलब होता है जिसकी लास्ट शेल में कितने हो, पाँच इलेक्ट्रॉन हो, और ट्राईवेलेंट होता है जिसकी लास्ट शेल में
क्या हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो। ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, समझना। चलो नेक्स्ट पेज पे पूरे कंसेप्ट को खत्म करते हैं, जल्दी से आओ। चलो फाइनली आप समझना, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है। जिसको अब तक नहीं समझ में आया वो दोबारा से यहाँ से ट्राई कर सकता है बहुत आराम से। ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और देखो इसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट, क्योंकि इसके चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। इंटरसिनिक याद होगा, इंटरसिनिक। इसमें अगर तुम क्या जोड़ते हो, इसमें अगर तुम एक पेंटावेलेंट जोड़ते हो, पेंटावेलेंट में कौन कौन से लिखाए थे मैंने, इसे याद कर लो। एंटीमनी, कौन से बताए थे, एंटीमनी। एंटीमनी क्या होता है, देखो एस भी होता है किसका, एंटीमनी का, और ए एस आर्सेनिक होता है किसका, पेंटावेलेंट का, समझना। और ट्राईवेलेंट में क्या होता है, ट्राईवेलेंट में कौन से होते हैं, इंडियम और गैलियम। इसे पेंटावेलेंट क्यों कहते हो, क्योंकि आर्सेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ऐसे समझ सकते हो, एक दो तीन चार पांच हाथ होते हैं इसके, कितने, पांच, समझ गए ना। इसमें ये पांच इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और इंडियम कितने कर सकता है, ये तीन कर सकता है। इतनी चीज समझ गए, ये कितने कर सकता है, ये पांच, एक दो तीन चार पांच। ये ट्राईवेलेंट कितने कर सकता है, तीन कर सकता है, ठीक है। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ये ऐसा ही वाले में तुम जब ये पेंटावेलेंट डाल दोगे, क्या डाल दोगे, पेंटावेलेंट। देखो जो जो पढ़ रहा है जल्दी से एक बार बताओ कि किस किस को समझ में आ रहा है, ताकि मैं ये कंसेप्ट खत्म करूं पूरा, फटाफट से बताओ। जल्दी कमेंट करके बताओ किस किस को समझ में आ रहा है। चलो आ रहा है ना, चलो ठीक है, काफ़ी बच्चों को आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ से देख लो यार, काफ़ी इजी लगेगा, मुझे पता है। कहीं ना कहीं थोड़ी वो जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा वो डिफरेंस हो गया यहाँ पर, तो समझना बात को, समझना, हो जाएगा काम, हो जाएगा, टाइम है अभी भी, काफ़ी टाइम है, हो जाएगा। क्योंकि जल्दी जल्दी भी करना है, टाइम बहुत कम भी है यार एक तरीके से। चलो आओ जल्दी से, देखो सिलिकॉन सिलिकॉन वाला ये चार वाला था, ठीक है। तुम अगर इसमें ये चीज़ डालोगे, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं फिगर पे, देखो ये किताब है, ये री समझना, ये किताब में ये वाला फिगर दिख रहा है तुम्हें, ये फिगर दिख रहा है, ये है प्योर वाला, देखो ये है प्योर वाला, जिसमें सारे ऐसा ही दिख रहे हैं या नहीं, ये सारे कौन से ऐसा ही सिलिकॉन वाला प्योर वाला, और ये कौन सा है, ये है तुम्हारा इम्प्योर वाला, क्योंकि इसमें ये देख रहे हो ये तुमने क्या डाल दिया है, आर्सेनिक। समझ आ गई इतनी बात। तो अगर तुम ऐसा करते हो, ऐसा ही, अगर तुम यहाँ पर ए एस डाल देते हो, क्या डाल देते हो, ए एस, तो देखो ऐसा ही के तो कितने हाथ होंगे, ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये कैसे भी समझ लो बस। देखो ऐसा ही के कितने हाथ होंगे, चार होंगे या नहीं होंगे, है ना। लेकिन इस ए एस के कितने थे, ए एस के मैंने बताए थे ना यहाँ पर, ए एस के कितने आते हैं, पांच आते हैं ना, या फिर ये पांच बॉन्डिंग कर सकता है ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, ये बताओ, रह जाएगा ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एन टाइप, इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर, समझ गए। और जो मेन चीज़ है कि इसे एन टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, जो कंडक्टिविटी बढ़ा देगा, जो कंडक्टिविटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये चीज समझ गए, अब आगे समझना। ऐसा ही और अगर तुम इसमें क्या डाल देते हो, इंडियम डाल देते हो, क्या डाल देते हो, इंडियम, क्या डाल देते हो, इंडियम। अब ये चीज़ समझ लेना, यही काम करके आना है तुम्हें। अगर तुम बेटा इंडियम डाल देते हो, तो इंडियम में कितने हाथ हैं आपके, तीन हाथ हैं या नहीं है, तीन हाथ हैं या नहीं है,
तो यहाँ क्या करता है, एक ऐसा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के ये वाला हाथ इससे जोड़ लेता है, क्या कर देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ताकि ये क्या हो जाए, एक और हाथ बना दे। तो जिससे यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल जाता है उस चीज़ को हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं उस चीज़ को हम, होल। समझ गए इतनी बात या नहीं? ठीक है, तो अब जो मेन चीज़ लिखा रहा हूँ वो यहाँ लिख दो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इनवेज द मे चार्ज कैरियर्स, इनवेज द चार्ज कैरियर्स आर, इनवेज द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, चार्ज कैरियर्स कौन थे इसमें, इलेक्ट्रॉन ही तो थे। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इनवेज द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव होल्स। देखो इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, होल क्रिएट हो गया था ना, तो यहाँ होल बने थे इसलिए इसको हम बोलेंगे पी टाइप। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया था तो इसे हम बोलेंगे एन टाइप। इतनी चीज़ समझ गए या नहीं? चलो तो जल्दी से इसे रिवाइज कर लो, यहीं पर ये ख़त्म हो जाती है चीज़ कि इंट्रसिनिक। दोबारा से पूरा रिवाइज कर लो, इंट्रसिनिक में इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक्सट्रसिनिक। इम्प्योरिटी कितनी प्रकार की होती है, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट। ठीक है, पेंटावेलेंट में कौन कौन सी होती है, आर्सेनिक, और ट्राईवेलेंट में कौन सी याद कर लो, एक इंडियम। ठीक है, अगर आर्सेनिक डालोगे तो ये कौन सा कंडक्टर बनेगा, एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। और ट्राईवेलेंट में इंडियम डालोगे तो क्या होगा, होल बन जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा जी, ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए या नहीं? चलो तो फिर 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, तुम भी आओ जल्दी से, उसके बाद हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज, जल्दी पढ़ने वाले हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबको पता है, ये चीज़ तो आती आती है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस लिख दो। अब देखो जो जो आ गए हैं अच्छी बात है, और जिस जिसको समझ में आ रहा है वो लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, और बाकी सब लोग कमेंट वमेंट बंद कर देना और सीधे यहीं पर आ जाना। ठीक है, देखो बेटा फॉरवर्ड बायस बहुत इजी चीज़ होती है, समझना इस चीज़ को। देखो अभी हमने इतना सीखा, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी अगर सीख पाए हो तो यहाँ समझ लेना पूरी चीज़ कि दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, एन टाइप में क्या था, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज, या जिसको हम दूसरा नाम देते हैं होल, फिलो होते हैं। ठीक है, और ये सब क्या करते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, सबको पता है। ठीक है, अब एक चीज़ खुद सोचो, अगर मैं एक एन का और एक पी का दोनों को एक साथ जोड़ दूँ तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ समझ रहे हो, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन इसका पॉजिटिव चार्ज, जुड़ जाएंगे या नहीं जुड़ जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ एक न्यूट्रल लेयर ही तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल लेयर। समझ गए या नहीं? तो ये क्या हो जाएगी, एक दीवार बन जाएगी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक दीवार बन जाएगी। ठीक है, जो दीवार क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने से और प्रोटॉन को यहाँ जाने से क्या करेगी, रोकेगी। इतनी चीज़ समझ गए ना? ठीक है, चाहो आप एन को पहले लगाओ, चाहो आप पी को पहले लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एन और पी को जोड़ देना है। अब ये जो चीज़ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ये जो क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक ही लाइन में समझ जाओगे क्या है। एक आपको एक एक्सटर्नल बैटरी लगानी है इसके बगल में, एक क्या लगानी है, एक्सटर्नल बैटरी लगा देनी है। और एक्सटर्नल बैटरी के सबको पता है 2 पोल होते हैं, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो छोटा वाला हम नेगेटिव बोलते हैं और बड़ा वाला हम पॉजिटिव बोलते हैं। इतनी चीज़ समझ गए? सिर्फ 2 चैप्टर ही पढ़े हैं यार, टेंशन ख़त्म करो और बस यहाँ पर आ जाओ जल्दी से।
देखो इसका निगेटिव वाला, अगर तुम इसका निगेटिव वाला किसके साथ जुड़ा है ये बताओ, एन के साथ या पी के साथ? एन के साथ। और इसका पॉजिटिव वाला किसके साथ जुड़ा है? पॉजिटिव के साथ। निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ही जुड़ा है, या फिर पॉजिटिव वाला पी के साथ और निगेटिव वाला एन के साथ, समझ गए? अगर पॉजिटिव वाला पी के साथ और निगेटिव वाला एन के साथ जुड़ जाए तो इसको आप बोलोगे ये फॉरवर्ड बाइस में आ गया। ये काय में आ गया? फॉरवर्ड बाइस्ड में आ गया, समझ गए? यहीं पर ही अगर भैया, यहीं पर ही क्या हो जाए? देखो या तो आप ऐसे लगा सकते हो या फिर आप ऐसे लगा सकते हो, डिफरेंस समझना चीज़ों में। यहाँ इस बार ये क्या है? एन वाला है, और ये कौन सा है? पी वाला है। पिछली बार पॉजिटिव वाला पी वाले के साथ ही तो जुड़ रहा था, और इस बार पॉजिटिव वाला किसके साथ जुड़ रहा है? एन वाले के साथ, समझ गए? तो पॉजिटिव पी के साथ जुड़ेगा तो फॉरवर्ड बायस बोल दोगे, पॉजिटिव एन के साथ जुड़ेगा तो रिवर्स बायस बोल दोगे। इतनी चीज समझ गए या नहीं? तो बहुत इजी सी डेफिनेशन है, समझ गए होगे कि पॉजिटिव पी के साथ फॉरवर्ड बायसिंग और पॉजिटिव एन के साथ तो रिवर्स बायसिंग। ओके, अब समझना इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और काफी चीजें लिखनी है, तो चलो आप जल्दी से लिखते हैं। देखो यहां लिख लो फॉरवर्ड बायस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो फॉरवर्ड बायस में क्या क्या लिख के आना है आपको, एक ऐसे करके ये बना देना है। यहां नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है? फिर यहां पर निगेटिव वाला इसके साथ और पॉजिटिव वाला, समझ गए? पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, ओके। और यहाँ पर ये बीच में जो लेयर बनाओगे इसका, देखो इसका नाम भी सीख लो, बहुत इजी नाम होता है, डिप्लीशन लेयर नाम होता है इसका। क्या नाम होता है इसका? डिप्लीशन लेयर, ठीक है? और एक और चीज़ बोल सकते हो इसको, फिक्टियस बैटरी। एक बेवजह की बैटरी बन जाती है जो क्या करती है? रुकती है। जैसे ही आप पॉजिटिव को पी वाले के साथ जोड़ देते हो और निगेटिव को एन वाले के साथ जोड़ देते हो, इसे हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। अब ये वाला जो होता है एक्सटर्नल बैटरी, ये क्या करता है? यहाँ से करंट फ्लो करता है। क्या करता है? करंट फ्लो करता है। अब देखो यार, बच्चे को भी बताया कि ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इस चीज़ को समझना। अभी हम ये चीज़ बनाएंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा, जो निगेटिव वाला है वो निगेटिव वाले को रिपेल करेगा। तो सबके ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि निगेटिव वाला इधर घुसेगा और पॉजिटिव वाला इधर घुसेगा, और ये इधर घुसेंगे, जे इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। तो इस दीवार को तोड़ेंगे या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ, तोड़ेंगे ना? और जैसे ही ये दीवार को तोड़ेंगे तो दीवार को तोड़ने में थोड़ी सी एनर्जी लगेगी या नहीं? हाँ या ना, लगेगी बिल्कुल। अब एक चीज़ ये बताओ कि जैसे ही, जब तक ये दीवार टूटेगी नहीं, क्या चार्ज फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक ये दीवार टूटेगी नहीं, क्या चार्ज फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता है, समझ गए या नहीं? तो पहले हमें इस दीवार को तोड़ना है, उसके बाद चार्ज फ्लो होगा। तो यहाँ पर आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है करंट, वी का मतलब होता है पोटेंशियल। तो आपको वी इधर लगाना है, आई इधर लगाना है, और ये लिखना आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? फॉरवर्ड बायसिंग की, ठीक है? तो आप यहाँ पर पोटेंशियल जैसे आपने लगाया, मान लो 10 वोल्ट लगाई आपने एक्सटर्नल, ठीक है? तो भैया 10 वोल्ट में से स्टार्टिंग में ये जैसे यहाँ पर बना दे रहे हैं हम, ये मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, ऐसे 1 तक आएगा, समझ गए? ये 0.1 वोल्ट है, ये 0.2 वोल्ट है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर 0.1 वोल्ट होगा तो आपका क्या होगा? करंट नहीं फ्लो होगा। 0.2 होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। 0.3 होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही आप 0.7 पे जाते हो, सो ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद ये ऐसे करके चला जाता है। इसमें क्या है, क्योंकि ये 0.7 वोल्ट तक, इसका 0.7 वोल्ट तक क्या होता है? दीवार तोड़ने में लग जाता है, उसके बाद क्या होता है? करंट फ्लो होता है। चीज़ समझे या नहीं? कहीं ना कहीं पहले सुना भी होगा आपने, 0.7 तक दीवार तोड़ते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है? ये करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पहले दीवार टूटती है, उसके बाद चार्ज फ्लो होते हैं। तो फिक्टियस बैटरी का जो वो मैंने जो बताया था ना, फिक्टियस बैटरी, इसका पॉइंट इतना होता है 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट पहले इसे तोड़ने में लगेगा, और उसके बाद आपका यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए होगे, ठीक है? इसलिए 0.7 तक ये देखो, ये करंट क्या है, बहुत कम कम फ्लो हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है इधर की तरफ। 0.7 के बाद आराम से करंट फ्लो होता है और ये हो जाता है, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स। और फॉरवर्ड बायस की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत ईजी है। वैन पी एन जंक्शन,
पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन जंक्शन वही, पी और एन को एक साथ जोड़ दो, पी और एन को एक साथ जोड़ दो, इसे क्या बोलते हैं? पीएन। पीएन मतलब समझ गए ना? ठीक है, व्हेन पीएन जंक्शन इज, व्हेन पीएन जंक्शन इज एडेड भी लिख सकते हो, ठीक है, इज एडेड विद एक्सटर्नल बैटरी, जो आपका पीएन जंक्शन था पी और एन, ठीक है, ये क्या है, एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ा गया, विद एक्सटर्नल बैटरी, सच दैट पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी, ठीक है, यहाँ एडेड की जगह कनेक्ट लिख लो, यहाँ पर एडेड अच्छा वर्ड नहीं है। व्हेन पीएन जंक्शन इज कनेक्ट विद एक्सटर्नल बैटरी, पीएन जंक्शन इज कनेक्ट विद एक्सटर्नल बैटरी, सच दैट पॉजिटिव पोल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, ऑफ बैटरी इज कनेक्ट टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, समझ गए क्या है ये? व्हेन पीएन जंक्शन इज कनेक्ट टू, पीएन जंक्शन इज कनेक्ट टू किसके साथ कनेक्ट किया गया? एक्सटर्नल बैटरी, सच दैट द पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी इज, द पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड, इसके आगे यहां से लिख दे रहा हूं, एंड नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी, बताओ जल्दी से किसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी इज कनेक्ट टू किसके साथ? एन टाइप सेमीकंडक्टर, समझ गया या नहीं? ठीक है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, जिसने नहीं लिखी हो पढ़ लो, जल्दी से लिख लो। व्हेन पी एन जंक्शन इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल बैटरी सच दैट पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव पोल इज कनेक्टेड टू एन टाइप, द बाइसिंग कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग, इस बाइसिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी बना देना, ठीक है। चलो अब इसकी लिखते हैं रिवर्स बाइसिंग, अब लिखते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सबको समझ में आ गया होगा इधर। चलो स्टार्ट करो, अब जल्दी से रिवर्स बाइसिंग पे आते हैं, और रिवर्स बाइसिंग में समझना, देखो इतना मैंने लास्ट समझा ही दिया था कि जब एन को एन टाइप आपका पॉजिटिव पोल के साथ जुड़ता है, और एन टाइप आपका किसके साथ? पॉजिटिव पोल के साथ जुड़ता है, और पी टाइप आपका नेगेटिव पोल के साथ जुड़ता है। बहुत ही क्लियर सी चीज़ है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तब आप उसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और तब आप बोलेंगे इसे रिवर्स बायस, समझ गए या नहीं? ठीक है, अब चीज़ें समझना काफ़ी ईजी है रिवर्स बायसिंग में। देखो तो रिवर्स बायसिंग की आप सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखोगे, साथ साथ डेफिनेशन लिखना, क्योंकि साथ साथ लिखोगे तो इससे ये रहेगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। ऐसा मत करना कि जैसे कोई ट्यूशन टीचर पढ़ा रहा है या कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो, ऐसा लगना चाहिए आप खुद पढ़ रहे हो, समझ गए? तो रिवर्स वाइसिंग क्या होता है? व्हेन पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन समझ गए ना, इस पी और एन के जंक्शन को क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। व्हेन पीएन जंक्शन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल बैटरी, पीएन जंक्शन क्या होगा? एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेगा, सच दैट द पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी, अब खुद से जरा सोचो कि पॉजिटिव पोल किसके साथ ऐड कर रहे हैं, सच दैट पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप के साथ ही तो जोड़ रहे हो आप, एंड नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी किसके साथ जोड़ रहे हो? ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। इतनी चीज समझ गए होगे अच्छे से, और एक बात पक्की है, जो कंटिन्यू रहेगा आज वो कंफर्म पास हो जाएगा, और जो जहाँ भी डिसकंटिन्यूस होगा वो देखो उसकी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? देखो यार, मैंने पहले ही बता दिया ये सब चीज़ें हो सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो इसमें मेरी कोई वो नहीं है गलती, अब ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा कम से कम प्रॉब्लम हो, पर आप इसकी टेंशन मत लो, जहाँ से वीडियो रुकेगी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से।
ठीक है, अब इतना तो चलता रहता है। चलो जहाँ रुके थे वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो जो आ जाए जुड़ते जाना, साथ साथ पीछे कर लेना वीडियो को। देखो रिवर्स बायसिंग में बता ही दिया, रिवर्स बायसिंग की डेफिनेशन आपने लिखी ली होगी कि नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी हो जाएगा। अब इसमें आपको बस एक चीज़ ये देखनी है भैया कि जो आपके जो निगेटिव पोल है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। जो पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव से। तो यहाँ एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर हमें यहाँ पर समझनी है आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए ना, करंट और वोल्टेज की डिफरेंस का, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव वाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही तो निकलते, क्या निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ना। और अट्रैक्ट करके ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, हाँ या ना, ये चीज़ समझ रहे हो। और यहाँ से पॉजिटिव वाले इधर जाएंगे या नहीं आएंगे, तो इधर पॉजिटिव वाले पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँच जाएंगे, ये चीज़ समझ रहे हो। इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाले जा रहे हैं। तो सिंपल अगर आप समझो तो निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर ये जुड़ते जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव जुड़ते जाएंगे, इधर भी क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव जुड़ते जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव जुड़ते जाएंगे। तो बस मुझे एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पर जो लेयर थी ये टूटेगी या और बढ़ेगी। ये लेयर किस किस चीज़ से बनी हुई थी, पॉजिटिव और निगेटिव जब क्या हुए थे आपस में या बन गए थे, ऐसे ही तो बताया था पॉजिटिव निगेटिव। तो यहाँ अगेन यही काम हो रहा है ना, पॉजिटिव निगेटिव दोबारा से जुड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ लेयर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतनी थी लेयर, इतनी थी, और अब लेयर कितनी हो जाएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, लेयर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये चीज़ समझ गए या नहीं। क्वेश्चन पक्का एक ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो लेयर होती है वो छोटी होती जाती है, और ये लेयर जो थी ये छोटी होती जाएगी फॉरवर्ड में। और रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में लेयर पहले इतनी थी और फिर क्या हो जाएगी, लेयर बढ़ती जाएगी। लेयर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन लेयर। इतनी चीज़ समझ गया या नहीं, क्योंकि यहाँ से निगेटिव जाएंगे और यहाँ से क्या जाएंगे, पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो अगर यहाँ पर एक डिफरेंस मैं बता दूँ, यहाँ पर समझ लो डिफरेंस छोटा सा, फॉरवर्ड और रिवर्स में। देखो एक पहले पहली चीज़ तो यही हो जाती है कि पॉजिटिव पोल किसके साथ जुड़ता है, पॉजिटिव पोल जुड़ता है आपका पी के साथ, और नेगेटिव पोल किसका जुड़ता है आपके साथ, एन के साथ, समझ रहे हो। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, पॉजिटिव पोल किसके साथ जुड़ता है, एन टाइप के साथ, और नेगेटिव पोल किसके साथ जुड़ता है, पी टाइप के साथ। 8 बजे तक सबको जो जो पढ़ रहे हैं 8 बजे तक कन्फर्म आपको ये चीज़ अपने आप से आ जाएगी कि हाँ हम पास हो जाएंगे, अब टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 8 बजे तक थोड़ा दिमाग पर प्रेशर रहेगा, पर बस पढ़ाई करते चलो, ये चीज़ कॉन्फिडेंस आ जाएगा 8 बजे तक। तो और ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। याद है डिप्लीशन लेयर टूट गई थी पिछली बार, रिड्यूस हो गई थी, और यहाँ डिप्लीशन लेयर क्या होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गया होगा आपको। अब आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स में समझना, आप समझना इस बात को, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचते जाते हैं, इधर क्या होती जाती है, ये होती, यहाँ से प्लस वाले यहाँ से पहुंचते जाते हैं, तो डिप्लीशन लेयर क्या होती जाती है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये क्या है, यहाँ पर V होता है, और यहाँ क्या होता है, I होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पर उल्टा पोटेंशियल होता है, कैसा पोटेंशियल होता है, उल्टा। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है इस बार, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो याद कर लेना, टेंशन मत लेना। तो यहाँ हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, निगेटिव में क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, और ये क्या है, करंट है, ठीक है, निगेटिव करंट नीचे की तरफ। तो आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो आपका करंट नहीं बढ़ रहा, देख रहे हो, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है और करंट नहीं बढ़ रहा है, इस तरफ चीज़ें कम होती जा रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एकदम से एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपका करंट एकदम से बढ़ जाएगा, ये चीज़ समझे। ऐसा क्यों होगा, इस चीज़ को समझ लो, इसके ऊपर क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, 100% आएगा। तो इस चीज़ को समझ लेना, एक कंडीशन होती है जो पक्की आती है, आप समझना इस बात को पूरी से, पूरी तरीके से। देखो ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, पूरी चीज़ समझना, ये पूरी चीज़ पक्का है, बोर्ड में आएगी कल। ये क्या था आपका, नेगेटिव पोल, ये क्या था आपका, पॉजिटिव पोल। ये नेगेटिव पी के साथ है, पॉजिटिव एन के साथ है। तो अब तक ये समझ गए होगे कि ये रिवर्स बायसिंग में काम हो रहा है,
ठीक है, पहले डिप्लीशन लेयर इतनी थी, ये निगेटिव वाले इधर जाते जाएंगे तो ये निगेटिव वाले देखो इसी के पास तो जाएगा ना, तो ये और बनाते जाएंगे, तो जिससे डिप्लीशन लेयर आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी। देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जुड़ते जाएंगे तो उतनी क्या होती जाएगी, डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ते 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 ये इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा। क्यों हीट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ता है तो हीट निकलती है। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ता है तो क्या होती है, हीट निकलती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ जुड़ता जा रहा है, नहीं जुड़ता जा रहा है, तो हीट निकलती जाएगी या नहीं निकलती जाएगी। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि ये जंक्शन डायोड क्या हो जाता है, पूरा टूट जाता है। क्या हो जाता है? पूरा टूट जाता है। टूटने का मतलब सारे चार्ज क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और फिर ढेर सारा करंट निकलता है। समझे चीज़ या नहीं? सुन लो दोबारा से पूरी चीज़। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें घुसते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर बनती है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से। तो यहाँ पॉजिटिव थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो एक पेयर बन गया, तो थोड़ा सा डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, फिर एक पेयर गया, फिर थोड़ी सी डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, तो बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो के लिए ये दीवार बढ़ती जा रही है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो ये देखो, ये हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ ये वोल्टेज बढ़ते जाएंगे लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आता है यहाँ पर जब खूब बड़ी हो जाती है ये। ठीक है, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन और होल या इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा कि ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। मैंने अभी अभी बताया था हीट क्यों होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक इसके साथ पॉजिटिव के साथ जुड़ता है तो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, और जब ढेर एनर्जी निकलती है तो ये फ्री हो जाता है पूरा, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। समझ गए या नहीं? तो एक टाइम आएगा जब क्या होगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो उसके बाद तुम वोल्टेज बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, आपका करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि सारे ये सब सब दीवारें टूट गई और सारे चार्ज बह रहे हैं मज़े से, जैसे गंगा जी में चीज़ें बह रही हैं ना, बाढ़ आ गई, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है कि यहाँ बाढ़ आ जाएगी और ये टूट फूट जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस कंडीशन को बोलते हैं जेनर डायोड, या इस कंडीशन को बोलते हैं जेनर कंडीशन। समझ रहे हो या नहीं? जेनर रिवर्स बाइस्ड। देखो चीज़ इजी है, इसमें कन्फ्यूजन मत पैदा करो, बस एक निगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, हीट निकलेगी और करंट फ्लो नहीं होगा। तीन ही चीज़ें बोल रहा हूँ, निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, हीट निकलेगी और यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। पर इतनी एक टाइम आएगा जब इतनी बड़ी डिप्लीशन लेयर हो जाएगी तो हीट भी तो ज़्यादा निकलेगी या नहीं, और उस हीट के कारण सारा वो निकल जाएगा। समझ गए या नहीं? तो क्वेश्चन भी इसी तरीके का आता है कि एकदम से यहाँ पर करंट क्यों निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। समझ गए या नहीं? ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, जेनर रिवर्स बाइस्ड। देखो यहाँ पर मैं बता भी दे रहा हूँ, या देखो किताब में ये दिखाई दे रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन एक कंडीशन आई ना -10 पे, एकदम से क्या हो गया, करंट आ गया। समझ गए इस चीज़ को या नहीं? ठीक है, और उसके बाद देखो वोल्टेज नहीं भी बढ़ा रहे हो तो भी क्या हो रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो होना, और जब सब कुछ टूट ही गए, सारी डिप्लीशन लेयर फूट गई इस टाइम पर, तो फिर क्या होगा, करंट बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा। समझ गए? और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज। इस वोल्टेज को क्या बोलोगे आप, जेनर वोल्टेज। ठीक है, तो जेनर वोल्टेज अगर आता है तो आपको यही वर्ड लिखना है, तो इसमें और कुछ नहीं आएगा बच्चों जी, यही आएगा। ठीक है, और इसको दूसरा नाम आप चाहो तो नी वोल्टेज भी दे दो। हाँ सर समझ गए, चलो वेरी गुड पूजा तलवार, चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझना, अब एक आता है जंक्शन डायोड। देखो डायोड क्यों कहते हैं, क्योंकि डाई डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, तो पी और एन दो होते हैं ना, तो इसलिए हम इसको जंक्शन डायोड बोलते हैं। जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, तो स्टार्ट करें ना यही, जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं और मैं आपसे ही बनवाऊंगा रेक्टिफायर, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, समझना आप, पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो उससे पहले रेक्टिफायर की डेफिनेशन लिख लो, सॉरी सॉरी रेक्टिफायर की डेफिनेशन लिख लो। रेक्टिफायर करता क्या है, रेक्टिफायर लिख लो, अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बताओ, ठीक है ना? तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी पावर टू डीसी पावर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करता है, एसी को काय में कन्वर्ट कर देता है भाई, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, अब रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, तो पहला वाला लिखेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो जिसने रेक्टिफायर आज तक नहीं पढ़ा है, देख लो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। देखना यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे करके ए सी इनपुट लगाएंगे, सबको पता है ऐसा ये ए सी का साइन होता है, ठीक है? और वाई आर यू डिस्टर्बिंग सर, स्टॉप कमेंटिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा जी, बिल्कुल कमेंट वमेंट बंद कर दो, डिस्टर्ब करना ख़त्म करो। ये समझ गए ना? देखो बच्चा एक चीज़ नई सीख लो, अगर कल यहाँ पर ऐसा आता है, ये अगर लिखा है और ऐसा बना है, तो इसको तुम पी एन जंक्शन बोलोगे। इसका ट्राइंगल का मतलब होता है पी और इस लाइन का मतलब होता है एन, समझ गए या नहीं? ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है पी और इसका मतलब क्या होता है एन। बहुत इजी चीज़ है रेक्टिफायर, समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ये चीज़ मैंने बना दी, तो इसको क्या बोलोगे आप, पी एन जंक्शन ही तो बोलोगे इसको, ये पी है और ये क्या एन है। ठीक है, ये चीज़ आपकी है आउटपुट। ठीक है, अभी आप सोच रहे होगे सर कुछ समझा ही नहीं रहे हो, आप लिखते जा रहे हो, तो देखो अब मैं आप समझाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं समझाया ही कहाँ है, अब समझना। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, बहुत आराम से समझ जाओगे। ये एसी है, एसी क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है? और एसी सबको पता है पॉजिटिव निगेटिव होता है, फिर निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही तो होता है। पहले एक साइकिल के लिए पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, एसी के बारे में सबको पता है। ये एक वायर है और ये एक दूसरी वायर है, इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा म्यूचुअल इंडक्शन, क्या होगा यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब सीधे यहाँ पर आओ, देखो ये पॉजिटिव होगा ना, जब ये चीज़ पॉजिटिव होगी तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, फर्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, ये मैं इनपुट लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो एसी ऐसे ही होता है। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल में, इस पूरी हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब मुझे बस इतना बताओ, जब ये पॉजिटिव है और ये किसके साथ लगा हुआ है, पी के साथ, जब ये पॉजिटिव है और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, पी के साथ, तो ये कौन सी बाइसिंग में है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में, कौन सी बाइसिंग में है, फॉरवर्ड में, क्योंकि पॉजिटिव वाला पी के साथ होता है तो काय में होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और दूसरी बात, इस बात को दिमाग में डाल लो कि जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो यहाँ करंट फ्लो हो जाएगा, जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तब यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा, इतनी चीज़ समझ गए। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये एसी वाला काय में आ जाएगा, निगेटिव, पहले यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव था, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में था, करंट फ्लो हो गया। फिर यहाँ जब ये निगेटिव में हो जाएगा, आप समझ गए, यहाँ अब ये वाली तो ख़त्म, अब इसकी बात करते हैं, जब ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, इनपुट है ये इनपुट है, इधर इधर आउटपुट है। ठीक है, अब ये निगेटिव वाला पी के साथ जुड़ा है, तो अब ये कौन सी बाइसिंग में है, रिवर्स बाइसिंग में, ये किस बाइसिंग में आ गया, रिवर्स में, जब निगेटिव वाला पी के साथ जुड़ेगा तो काय में आ गया, रिवर्स में, उस टाइम पर करंट फ्लो नहीं होगा, ये चीज़ समझ गए या नहीं? तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो गया, यहाँ आउटपुट में एक कोई अगर बल्ब होगा तो वो जल जाएगा ऐसे करके, लेकिन दोबारा जब ये निगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, तो निगेटिव पी के साथ दोबारा काय में आ गया रिवर्स बाइसिंग में, उस टाइम पर यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि ये काय में रिवर्स बाइसिंग में। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गया ना भैया, तो पॉजिटिव ये है, फिर क्या है ये निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला फिर से पी के साथ, ठीक है, फिर ये क्या हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो फिर से करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, फिर से ये निगेटिव हाफ साइकिल में आएगा, ये निगेटिव आएगी इधर और ये पॉजिटिव, तो फिर निगेटिव, ये फिर काय में आ गया रिवर्स बाइसिंग में, तो फिर क्या होगा जी, करंट फ्लो नहीं होगा।
ठीक समझ गए होगे रेक्टिफायर, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है ना, देखो इधर समझना, आप ये आपका इनपुट होगा, ठीक है, और इधर लिखते हैं हम आउटपुट, इधर क्या लिखते हैं आउटपुट। तो बताओ जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, जब ये पॉजिटिव था और नेगेटिव था, ये जो भी साइन इधर होंगे वही इधर होंगे, जब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो इसका मतलब इसी यही पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट आया था, नहीं आया था, आया था है ना। फिर जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल थी, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल थी तो उस टाइम पर क्या आपका आउटपुट आया था, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल थी नहीं आया था, तो आउटपुट जीरो, यहाँ पर ये आउटपुट जीरो हो गया। फिर अगली वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट आया था, नहीं आया था, आया था। फिर नेगेटिव वाली साइकिल में आपका आउटपुट आया था, नहीं आया था, फिर क्या आया था, आया था, समझ गए या नहीं। तो देखो समझ गए या नहीं, जल्दी से बताओ ये हाफ वेव रेक्टिफायर किस किस को समझ में आ गया, फटाफट कमेंट करो, अब मैं बोल रहा हूँ कमेंट करो जल्दी से, या फिर लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से, जिस जिसको आ गया वो सब लोग लाइक कर दो। आ गया आ गया आ गया आ गया, एक बार रिपीट कर दो। चलो यार मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा रिपीट कर दो, तो मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लो, जिसको आ गया वो भी, उनका भी रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन ही चल रहा है। देखो करना क्या है, जिसको आ गया उनके लिए भी, जिसको नहीं आया उसके लिए भी। सबसे पहले आप यहाँ पर एक एसी इनपुट बनाओगे, उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा तार बनाओगे, फिर यहाँ पर एक ऐसा तार बनाओगे, और यहाँ पर आपको जोड़ देना है पीएन जंक्शन, समझ गए। और यहाँ पर चाहो तो आउटपुट ऐसे करके यहाँ बल्ब बना दो, जिसे क्या बोलोगे आप, आउटपुट, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये एसी इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव यहाँ होगा वही पॉजिटिव आपका यहाँ आ जाएगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ आ जाएगा। ये पॉजिटिव पी के साथ है, और पॉजिटिव पी के साथ होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे काय में, ये फॉरवर्ड वाइज में, तो फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो हो जाता है, इस चीज़ को मैंने बोला था, दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या हो गया, करंट फ्लो हो जाएगा ना, ओके। उसके बाद दूसरी बार में क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, दूसरी बार में यहाँ नेगेटिव आ गया, दूसरी साइकिल के लिए नेगेटिव पी के साथ जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये कायम में आ गया, ये चीज़ कायम में आ गई, रिवर्स वाइज में तो करंट फ्लो नहीं होगा, समझ गए। फिर तीसरी साइकिल में ये फिर से चेंज हो जाता है, पॉजिटिव एसी तो आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, फिर पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, फिर ये कायम आएगा फॉरवर्ड वाइज में, फिर से करंट फ्लो हो जाएगा, और फिर यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये रिवर्स वाइज आ जाएगा, समझ गए या नहीं, ठीक है। तो ये होता है भैया हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है, या इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है, तो इसको आप लिखना इनपुट, और इसको आप लिखना आउटपुट, ठीक है। और ये चीज़ समझ गए होगे, इसने इस वाली को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ समझ, ये चीज़ भी समझ गए होगे कि एसी से डीसी कन्वर्ट कैसे हुआ। एसी में ऊपर नीचे दोनों साइकिल होती हैं, लेकिन डीसी में एक ही डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए ये एसी से काय में कन्वर्ट हो गया, डीसी में एक ही डायरेक्शन में आ गया ना ये, ठीक है। आई गॉट इट सर, थैंक यू बेटा संतोष, पीसीबी, वेरी गुड। चलो अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। तो हाफ वेव में आपको यही सब लिखना है कि इन फर्स्ट हाफ साइकिल, देखो यार लिखना आप तुम्हारा काम है, इन फर्स्ट हाफ साइकिल पी एन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग, तो क्या नाम है, करंट फ्लो हो जाएगा। और सेकंड में क्या होगा, इन नेगेटिव हाफ साइकिल पी एन जंक्शन इज इन रिवर्स वाइज, रिवर्स बायसिंग, सो देयर इज नो आउटपुट, या आउटपुट इज जीरो। उसके बाद ऐसी लाइन बना देना, ठीक है, ये सब आप लिख लेना आराम से, ओके। यही इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और कंसेप्ट अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन कैसा भी आए आप समझ ही जाओगे। सर क्लास कितने बजे तक चलेगी, बेटा क्लास जब तक चलेगी जब तक आप में और मुझ में दोनों में दम होगा। चलो अब जल्दी से इधर आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पर। फुल वेव रेक्टिफायर देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर बहुत इजी इजी होने वाले हैं, तो फिर सीधे वहीं पहुंचेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फिर से फुल वेव रेक्टिफायर में जिन जिन को समझ में आ गया वो यहीं से बना ले, ये एसी इनपुट होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा वाला ही बनेगा, यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा, ओके। अब देखो यार एक बात समझना, यहाँ पर इनपुट हम इधर लगाएंगे, इधर कहाँ लगाएंगे इनपुट,
इधर सॉरी आउटपुट हम इस साइड लगाएंगे बीच में, ठीक है। तो इस बार आउटपुट इधर चाहो तो आप ऐसा बल्ब लगा लो या रेसिस्टेंस लगा लो, कुछ भी लगा लो। इधर आउटपुट लगा दिया। हाफ वेव में कितने थे, एक पीएन जंक्शन था, इस बार हम दो दो लगाएंगे। कितने लगाएंगे, दो। और इस चीज़ को समझना बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है। एक ऐसा पीएन जंक्शन लगा लिया और एक ऐसा पीएन जंक्शन लगा लिया, ठीक है। अब इस चीज को समझ लो, एक ही वर्ड का है बिल्कुल। देखो अब इसे समझो, फुल वेव का मतलब क्या होता है, हाफ वेव का मतलब क्या था। हाफ वेव का मतलब था आधी आधी वेव आ रही थी, और आधी आधी क्या हो रही थी, गायब हो रही थी, ठीक है। और फुल वेव का मतलब क्या होगा, हमें ये लेके आना है, जो आंसर लेके आना है वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये इनपुट होगा आपका, हाफ वेव में आधा लेके आए थे, ये इनपुट था, और फुल वेव में हमें क्या लाना है, हमें पूरा लेके आना है, ऐसा। समझ गए या नहीं, ठीक है। तो कैसे आएगा देखो, ये पहली साइकिल इसकी क्या है, ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो इधर भी पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, इधर भी क्या होगा, नेगेटिव। समझ गए या नहीं, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव मान लो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ गया। इतनी चीज समझ गए। अब मुझे बस एक चीज़ बताओ, दो दो पी एन जंक्शन है, ये पी होता है, ये एन होता है, ये पी होता है, ये एन होता है, हाँ या ना। ये वाला फॉरवर्ड बायसिंग में है या नहीं, ये वाला फॉरवर्ड बायसिंग में है या नहीं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, यानी इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना, ठीक है। और फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला कायम होगा फॉरवर्ड में, और ये वाला कायम होगा रिवर्स में। इधर नेगेटिव किसके साथ जुड़ा है, पी के साथ, ठीक है। बहुत क्लियर सी चीज़ है, पॉजिटिव पी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, और ये वाला रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक, क्योंकि फॉरवर्ड में करंट फ्लो हो जाता है और रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला रिवर्स में आ जाएगा, और ये वाला काय में आ जाएगा, फॉरवर्ड में आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, इधर से करंट फ्लो हो जाएगा, और इसी डायरेक्शन में तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। इतना समझ गए होगे, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये काय में आ जाएगा, फॉरवर्ड में आ जाएगा, तो करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। लेकिन ये आउटपुट में तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव पी के साथ, तो ये काय में आएगा अब फॉरवर्ड में, और ये काय में आ जाएगा अब आपका रिवर्स में। तो फिर इधर से करंट फ्लो हो जाएगा दोबारा से, फिर से इसी डायरेक्शन में करंट आ रहा है। समझ गए, डोंट सर कैरी ऑन। इतना समझ आ गया या नहीं, जिस जिसको ये सब समझ में आ गया वो जल्दी से लाइक करो फटाफट वीडियो को अभी, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला फॉरवर्ड में होगा, इधर से करंट फ्लो हो जाएगा, फिर दूसरी नेगेटिव वाली हाफ साइकिल में ये वाला फॉरवर्ड में होगा, इधर से करंट फ्लो हो जाएगा, फिर पॉजिटिव में इधर से फ्लो हो जाएगा, फिर नेगेटिव में इधर से। तो समझ गए, पॉजिटिव वाले के लिए भी आपका करंट फ्लो हो गया, नेगेटिव वाले के लिए भी करंट फ्लो हो गया, फिर पॉजिटिव वाले के लिए भी हो गया, नेगेटिव वाले के लिए भी हो गया। आ गई बात समझ में, अरे आ गया समझ में, चलो वेरी गुड बेटा। तो जल्दी से लाइक करो यार थोड़ा, और अगर आ गया हो अच्छे से तो। आ गया आ गया आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो समझ गए ना कैसे बनाना है, पीएन जंक्शन में एक इनपुट बनाना है, यहाँ आपको बीच में आउटपुट रखना है, ये मत भूल जाना, और फुल वेव में दो होंगे, ठीक है। फुल वेव की और हाफ वेव की डेफिनेशन लिख लो। और रेक्टिफायर, ये क्या है, एक एक रेक्टिफायर ही तो है, अ रेक्टिफायर विच रेक्टिफाइज, विच रेक्टिफाइज बोथ हाफ्स ऑफ एसी इनपुट। देखो इसने फुल वेव रेक्टिफायर ना, ये वाली और ये वाली दोनों हाफ रेक्टिफायर को क्या करा है, रेक्टिफाई किया है ना, पॉजिटिव कर दिया है, समझ गए, ठीक है। विच रेक्टिफाइज बोथ हाफ ऑफ एसी इनपुट टू डीसी इनपुट। तो इसको क्या बोलोगे आप, जिसने दोनों को रेक्टिफायर किया है वो होगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव में जहां आपने हाफ वेव लिखा था उसकी डेफिनेशन भी लिख लो। कि अ रेक्टिफायर
विच रेक्टिफाइज ओनली वन हाफ ऑफ ए सी इनपुट टू डी सी इनपुट टू डी सी आउटपुट, या ए सी हाफ ए सी वेव टू डी सी वेव। समझ गए ना? क्योंकि इसने इस वाली को तो करा था और इस वाली को क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। इस वाली को किया था और इस वाली को क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया गया। ओके, तो ये फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर आपके खत्म। सर लाइव स्ट्रीम में जो ऑफलाइन हो तो फिर बता कर जाना। देखो यार, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, अगर इतने 80-100 लोग अगर जुड़े रहेंगे तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता रहूँगा। 50-30-40 भी रहेंगे तो मैं करता रहूँगा, ठीक है? टेंशन मत लो इस चीज़ की, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, ये वीडियो ना तो किसी पैसे के लिए हो रही है ना किसी चीज़ के लिए, बस ये हो रही है एक लास्ट टाइम मेहनत करने के लिए, ताकि आप लोग पास हो जाओ कैसे भी। तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना, मुझ में बहुत जान है, मैं आराम से करता रहूँगा। चलो अब आ जाओ डिफरेंट। देखो ये क्वेश्चन आप पिछले साल के बोर्ड में देख लो या किसी भी बोर्ड में देख लो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड, क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड? देखो कितने प्रकार के जंक्शन डायोड होते हैं। एक होता है आपका जेनर डायोड, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ रखा है, दोबारा से पढ़ लेंगे। फिर एक होता है आपका भैया फोटो डायोड, फोटो डायोड के ऊपर क्वेश्चन आया था पिछले साल। और एक होता है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको आप LED के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है? देखो जेनर डायोड पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लो जेनर डायोड पे, और क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बताता हूँ अभी। जेनर डायोड क्या होता है? चलो लिखो आप जल्दी से, जेनर डायोड, अ डायोड विच वर्क ऑन द विच वर्क ऑन द, या फिर विच वर्क के अलावा आप विच ऑपरेट्स भी लिख सकते हो यहाँ पर, विच ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स बाइस्ड। बेटा हाँ, सोलर डायोड और सोलर सेल के बारे में जो कह रहे हैं ना, सोलर डायोड रह गया, वो सोलर डायोड और सोलर सेल के बारे में भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं और ये स्पेशल टाइप होते हैं, ठीक है? तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। टेंशन मत ले संजना गौर, ये बता दूंगा मैं सोलर डायोड वाला। आओ जल्दी से, जेनर डायोड क्या होता है? डायोड विच वर्क या विच ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स वाइज वोल्टेज, ऑन द रिवर्स वाइज वोल्टेज रीजन कंटिन्यूसली विदाउट बींग डैमेज। अब समझना इस चीज को। देखो याद है रिवर्स बायसिंग पढ़ाई थी, रिवर्स बायसिंग में ये वाला, ये भी याद है ना? तो बेटा जी इस वोल्टेज पर, इसको मैंने बताया था, इसको हम जेनर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है? तो इस टाइम पर जो हम काम करते हैं ना, इस टाइम पर जो हम डायोड यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं जेनर डायोड। क्या बोलते हैं इसे हम? जेनर डायोड। तो यहाँ पर जो ये काम चल रहा है वो क्या है? जेनर डायोड। और जो मैंने बोला था ना, क्या बाढ़ आ जाती है पीएन जंक्शन के अंदर और सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहने लग जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, लेकिन वो बर्बाद नहीं होता है, मतलब डैमेज नहीं होता है। उस टाइम पर भी वो क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। तो एक ऐसा डायोड जो काय में काम करता है रिवर्स बायसिंग में, ठीक है, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज रीजन में कंटिन्यूसली विदाउट बीइंग डैमेज, बिना डैमेज के, उसको आप बोलते हो जेनर डायोड। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं समझना है इसमें, ठीक है? अब यहाँ एक क्वेश्चन लिख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है,
ज़ेनर डायोड यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ज़ेनर डायोड यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा इसे समझना। देखो इसमें आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले तो एक डायग्राम बना देना। जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से, जैसे ही ये चीज़ लिखी आ जाए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले एक डायग्राम बना देना है। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ मेरे साथ साथ बना दो। यहाँ लिखना फ्लक्चुएटिंग एसी इनपुट। हमारे घरों में जो बत्ती आती है, बिजली आती है, वो होती है एसी इनपुट। तो अगर आपका एसी इनपुट क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखो ऐसा पीएन जंक्शन बोलते हैं ना, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हो ना, ऐसा करके थोड़ा टेढ़ा सा कर देते हो, तो इसको अब ज़ेनर डायोड बोलते हो, क्योंकि इस टाइम पर ये ज़ेनर डायोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसका एक्चुअल में आंसर अगर नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि आपको तो वहाँ लिखना ही है। ये कोई नहीं पूछ रहा कि याद करके आए हो या फिर समझ के आए हो। देखो तो ऐसा डायग्राम बना देना, सबसे पहले क्या है फ्लक्चुएटिंग एसी इनपुट होगा, ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस हो जाएगा आर, और यहाँ पर क्या है ये ज़ेनर डायोड का साइन है, और यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्स्टेंट डीसी आउटपुट। सॉरी यहाँ इनपुट नहीं, यहाँ क्या है आउटपुट, इधर इनपुट है फ्लक्चुएटिंग और इधर क्या है आउटपुट है। ठीक है, अब आंसर क्या लिखना है इसको समझना। और एक बात और बता दूं, देखो अब टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो स्पीड थोड़ी फास्ट करेंगे और जल्दी जल्दी से हम ऑप्टिक्स पे भी आने वाले हैं, क्योंकि कमेंट देखे मैंने काफ़ी ऑप्टिक्स जल्दी स्टार्ट कराओ, तो 8 साढ़े 8 बजे तक ऑप्टिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जब तक ये चीज़ें कर लेते हैं, ये इजी टॉपिक है इसलिए यहाँ से नंबर हाल आ सकते हैं आपके। देखो तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है कि द यूज़ ऑफ, इसे समझना हिंदी में, द यूज़ ऑफ ज़ेनर डायोड, द यूज ऑफ ज़ेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जो ज़ेनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कैसे होता है, द यूज ऑफ ज़ेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन प्रोवाइडिंग, साथ साथ लिखते जाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई। देखो इसका मतलब क्या है, हमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई होती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर बाहर की बत्ती ऊपर नीचे होती है, मतलब कम ज़्यादा होती है, लेकिन हमें जो वोल्टेज मिलेगा आउटपुट में वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। समझ गए या नहीं? तो हमें ज़ेनर डायोड से मिलता क्या है कि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज बिकॉज एट ज़ेनर वोल्टेज, ज़ेनर डायोड कहाँ काम करता है, ज़ेनर वोल्टेज पर। और आपको याद होगा, मुझे पता है आप भूल गए होगे थोड़ा सा, ठीक है, याद नहीं होगा, थोड़ा सा भूल गए होगे क्या, कि एट ज़ेनर वोल्टेज द स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, द स्मॉल चेंज इन वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ लार्ज करंट। याद होगा आपको कि ये वाली जेनर की कंडीशन थी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ा देते हो ना तो करंट बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी इस तरह वोल्टेज बढ़ा देते हो तो करंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। तो बस आपको इतना ही लिखना है कि बिकॉज द जेनर वोल्टेज, एट जेनर वोल्टेज द स्मॉल चेंज इन वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ लार्ज करंट, सो वी गेट कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, अगर नहीं भी समझ में आया हो
फ्लक्चुएटिंग बनाना है, यहाँ जेनर डायोड का ये बनाना है और यहाँ डीसी बना देना है, ठीक है। तो और लिखना क्या है, द यूज़ ऑफ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन प्रोवाइडिंग अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई। कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिलती है आपको बिकॉज एट जेनर डायोड पे जेनर वोल्टेज पे होता क्या है, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ लार्ज करंट। समझ गया या नहीं? ठीक है, तो इतना लिख दोगे काफ़ी हो जाएगा, आपको आंसर नंबर मिल जाएंगे। चलो अब सेकेंड वाले पे आते हैं, फोटो डायोड पर। ये समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड के बारे में लिख लो, क्या होता है स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड मेड फ्रॉम लाइट, मेड फ्रॉम लाइट और यहाँ पर लिख दो फोटो। लाइट और फोटो एक ही चीज़ होती है, ये आपको पता ही होगा, फोटोन होते हैं लाइट में, ठीक है। मेड ऑफ लाइट सेंसिटिव, मेड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। देखो इसे समझना, ये बहुत इजी है, कॉल्ड फोटो डायोड। देखो इसे समझो, ये चीज़ बहुत इजी है, क्या है कि ये चीज़ आपको बताए क्या होती है, पीएन जंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है पीएन जंक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक आउटपुट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें करना क्या है इस बार, कि कोई भी लाइट आएगी आपकी बाहर से, और वो लाइट क्या होगी, ये वाली जो लाइट होगी, ये लाइट यहाँ पर क्या देगी, यहाँ पर एनर्जी देगी, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन को क्या देगी, एनर्जी देगी, और पीएन जंक्शन से क्या हो जाएगा आपका करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट आई और पीएन जंक्शन को क्या दी, एनर्जी दी, और यहाँ से क्या हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, ये एक सर्किट बन जाएगा, कंप्लीट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फोटो डायोड। तो बहुत ईजी सा है, एक या दो मार्क्स में आता है। तो फोटो डायोड में यही लिखना है सबसे पहले, कि एक स्पेशल टाइप डायोड होता है, किससे बनता है, लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। ये लाइट सेंसिटिव होता है इस जगह पर, और जिससे क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो हो जाता है, ठीक है। इसकी आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए। और इसकी आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स बस ऐसे बनानी है आपको, ये पहले स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं देता, फिर ऐसे देता है, और फिर ऐसे देता है, ठीक है। बस ऐसा याद करके चले जाओ ये चीज़ें, चाहे टॉपर हो चाहे कोई भी, और कोई याद करके ही जाता है। इधर होता है आपकी लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, और इधर होता है आपका करंट। कि लाइट की इंटेंसिटी, देखो लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे इस तरह बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होता जाता है, करंट बढ़ता जाता है, समझ गए ना, ठीक है। और ये काय में काम करता है, ये काम करता है आपका फॉरवर्ड बायस में। तो इतना याद रख लेना कि फॉरवर्ड बायस में काम करता है, पीएन जंक्शन लगाते हैं, ये लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर से बना होता है, और इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, ठीक है। हाँ बंद नहीं करूँगा स्ट्रीम, टेंशन मत लो। और यहाँ पर जो पार्ट होता है ये वाला सीडी, ये सीडी पार्ट होता है एक सैचुरेटेड करंट का, कि इससे ज़्यादा करंट नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं एलईडी के बारे में, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड इसका नाम होता है एलईडी, ठीक है। एलईडी होता क्या है, देखो एलईडी के बारे में हमने पढ़ा है कि लाइट एमिटिंग डायोड या फिर एलईडी आर जस्ट टाइनी बल्ब्स, ये एक तरीके से क्या होते हैं, बल्ब होते हैं, समझ गए, ठीक है। अब ये होता क्या है, यहाँ पर आपका समझना है इस चीज़ को, लाइट एमिटिंग और जो पिछला वाला पढ़ा था कौन सा, फोटो डायोड, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। यहाँ पर भी बना देते हैं, ये P हो गया, ये N हो गया, इधर से बन गया, ठीक है। इधर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं RL, और इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब डिफरेंस समझना, पिछले वाले में क्या हुआ था,
पिछले वाले में क्या हुआ था, लाइट आई थी तब जाके करंट फ्लो हुआ था, ठीक है। इसमें कोई बैटरी नहीं थी, दिख रहा है कोई बैटरी नहीं है। इस वाले में हमने बैटरी लगाई है, ठीक है। ये डायोड दिया है, तो इस वाले में ये निगेटिव निगेटिव से दिख रहा है, ये निगेटिव निगेटिव से है, पॉजिटिव पॉजिटिव से है, तो ये भी कायम है, ये भी आपका फॉरवर्ड वाइज में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आप एक्सटर्नल बैटरी लगाते हो, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, यहाँ से लाइट निकलती है। पिछले वाले में लाइट आई थी, लेकिन इस वाले में क्या होती है, लाइट निकलती है। क्योंकि हम सबको पता है कि LED से क्या होता है, हमें लाइट मिलती है ना, कि हमें लाइट देनी होती है, समझ गए ना। तो यहाँ से आपको लाइट रेज मिलेंगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है लाइट एमिटिंग डायोड कौन सी रे पर काम करता है, तो आपको याद होना चाहिए इंफ्रा रेड रीजन पे काम करता है ये। कौन सी रेज होती है, इंफ्रा रेड रीजन, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है कि एनर्जी कितनी होती है, तो एनर्जी बराबर एच म्यू, जो एनर्जी यहाँ पर जो निकल रही है ना, इसकी एनर्जी क्या है, एच म्यू, म्यू इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाती है, जो हम आगे जाके अभी सीखेंगे, ठीक है। कमेंट वमेंट बंद करो यार, सीधे पढ़ाई पे ध्यान दो बस, ठीक है। अब लाइट एमिटिंग के यूजेस काफ़ी आए हैं बोर्ड में, कि यूज़ ऑफ लाइट एमिटिंग बताओ। तो सबसे पहला देखो, आप जो ट्रैफिक लाइट में देखते हो वो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, जो रेड लाइट और ये सब होते हैं ना, तो यहाँ आएगा पहला यूज़ एज अ ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट में यूज़ करते हैं। सेकंड, यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, घर में जो हम इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं, बल्ब वगैरह, वो क्या होते हैं, LED बल्ब भी तो बोलते हैं उन्हें, ठीक है। थर्ड, वॉचेस में, वॉचेस होती है ना, वॉचेस में, या फिर कैलकुलेटर में, वॉचेस और कैलकुलेटर में जो आप नंबर देखते हो ना, वो काहे पे चलते हैं, LED पे चलते हैं, समझ गए। तो वॉचेस और कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं। फॉर न्यूमेरिक डिस्प्ले, न्यूमेरिक मतलब नंबर आते हैं, न्यूमेरिक डिस्प्ले, ओके। तो दो तीन यूज़ काफ़ी है, बाकी तो आप बना बना के लिख ही दोगे। चलो अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, सोलर सेल। सोलर सेल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। सोलर सेल होता कैसा है, देखो ऐसा एक डब्बा बनाओ पहले तो, ठीक है। फिर इसके नीचे एक और डब्बा आएगा, ठीक है, और इसके एक और डब्बा आएगा, तीन डब्बे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स होगा, ये सबसे ऊपर वाला मानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला, और इसके बाद ये नीचे वाला। तो सबसे ऊपर वाला जो होगा वो एन टाइप का होगा, वो कैसा होगा, एन टाइप का। बीच वाला जो होगा वो पी एन टाइप का होगा, पी एन जंक्शन, ओके। और थर्ड वाला जो होगा वो लास्ट वाला, वो होगा पी टाइप का, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा आपको, कि ऊपर वाला एन टाइप का, नीचे वाला पी टाइप का और पी एन जंक्शन। सोलर नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कौन सी रेस चाहिए, हमें सनलाइट की रेस चाहिए, तो ये सनलाइट की रेस से काम करता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी है। सोलर सेल इज ए सेमी कंडक्टर, ये सब सेमी कंडक्टर है, याद रखना। सोलर सेल इज ए सेमी कंडक्टर दैट कन्वर्ट्स फोटोन्स ऑफ सोलर लाइट, दैट कन्वर्ट फोटोन्स ऑफ सोलर लाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर एक आध चीज़ बीच में नहीं भी समझ में आ रही है तो उसे स्किप कर देना, ठीक है। ये टेंशन मत लेना कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, उसके चक्कर में अटक जाओगे, और जैसे अब तक हुआ वैसे ही होता रहेगा फिर, और अब इतना टाइम तो है नहीं। तो यहाँ पर होता क्या है, आपकी सनलाइट आती है, ठीक है। तो सोलर सेल क्या होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है जो क्या करता है, फोटोन्स ऑफ सोलर लाइट, सोलर लाइट यही सनलाइट, ठीक है, आती है और ये सोलर सेल पे जाती है, और जिससे हमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, समझ गए या नहीं। तो इसे हम बोलते हैं सोलर सेल, और इससे जो सोलर सेल से जो सेल बनता है उसका नाम होता है फोटो वोल्टेइक सेल। क्या नाम होता है, फोटो वोल्टेइक सेल। अगर फोटो वोल्टेइक आ जाए या फिर सोलर सेल आ जाए, आपको यही चीज लिखनी है, ओके। अब
अगर इसकी वर्किंग आती है तो वर्किंग में आपको बस एक छोटी सी चीज़ ये लिखनी है कि फोटोन्स, इसे बात को समझते जाना, फोटोन्स ऑफ सनलाइट, फोटोन्स ऑफ सनलाइट कहाँ पर गिरेंगे, फोटोन्स ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन एन टाइप, ये तो समझ गए ना, सबसे ऊपर वाला क्या एन टाइप है, ठीक है, फोटोज ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन एन टाइप विच इज अ टॉप ऑफ द सोलर सेल, जो क्या है टॉप होता है ऑफ द सोलर सेल का, इट गेट एब्जॉर्ब्ड, उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, समझ गए। और जो फोटॉन्स, इतना समझ गए ना कि क्या हो गया, ये फोटॉन्स एन टाइप के ऊपर गिरे, एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, एन टाइप में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, इतनी देर से समझा ही रहा हूँ। तो जो फोटॉन्स होते हैं यहाँ पर, जो फोटॉन्स है, एनर्जी पैकेट होता है फोटॉन्स, वो यहाँ इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी दे देंगे और फिर इनको, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, ये चलना स्टार्ट कर देते हैं और क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इतना समझे या नहीं, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाता है बट बहुत ज़्यादा, देखो यार कन्फ्यूजन तो होगा ही पर कन्फ्यूजन को कम करो और पढ़ाई ज़्यादा करो। तो फोटोज ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन एन टाइप, फोटोज आए एन टाइप पे गिरे विच इज़ द टॉप ऑफ द सोलर सेल, इट गेट ऑब्जॉर्ब एंड फोटोज ट्रांसमिट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड थस इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस, ठीक है। तो सोलर सेल में आप इतना अगर याद करके जाओगे तो इतना काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके एडवांटेज आए या फिर यूज़ आए हैं तो आप सोलर सेल में लिख सकते हो कि सनलाइट जो होती है वो फ्री की होती है, तो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, सनलाइट को लेने में कोई एनर्जी तो लगो, पैसे तो लगते नहीं है, ठीक है। और अगर इसके क्या कहते हैं, अगर इसके डिसएडवांटेज आए तो डिसएडवांटेज में ये लिख सकते हो आप कि जो सनलाइट होती है वो दिन में मिलती है, रात को तो मिल नहीं सकती है, तो इसलिए बेकार है, या फिर रेनी एरिया होता है या फिर रेनी टाइम होता है तो उस टाइम पर नहीं मिल सकती है, समझ गए ना। ओके, तो इतना ख़त्म हो जाता है यहीं पर सोलर सेल। चलो अब आते हैं ट्रांजिस्टर पर, एक क्वेश्चन और लिख लो इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो आप। अंडर व्हाट कंडीशन डज अ जंक्शन डायोड वर्क एज ओपन स्विच, क्वेश्चन लिखो फटाफट से। अंडर व्हाट कंडीशन, देखो ये है क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन डज अ जंक्शन डायोड वर्क एज अ ओपन स्विच, ये क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है, तो इसका आंसर होगा व्हेन द जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स वाइज, समझ गए। तो आंसर दो ही होते हैं, या तो रिवर्स वाइज होता है या फॉरवर्ड वाइज होता है, और मैक्सिमम आंसर जो होंगे वो आपके रिवर्स वाइज में होंगे, ठीक है।